This is an ABP Life podcast. Union Minister of Information and Broadcasting Anurag Thakur लेकर के आए ड्रोन यात्रा 2.0 और कहा कि साल 2023 तक इंडिया को 1,00,000 ड्रोन पायलट्स की जरूरत है। आजकल इस ड्रोन शब्द को हम सुनते भी बहुत ज्यादा हैं कुछ सालों से। यंगस्टर्स चाहते हैं कि उनका हर फोटो या वीडियो शूट ही ड्रोन से ही हो, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज उससे कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा किया जाना बाकी भी है। और इंडिया का ड्रोन्स को लेकर आखिर विजन क्या है, बात करेंगे इस बारे में। आप कैसे ड्रोन पायलट बन सकते हैं, इस पर भी बात होगी। हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में कितना आगे या पीछे चल रहे हैं, बात इस पर भी होगी। मैन कैरिंग ड्रोन्स का, इनके आ जाने से क्या फाइटर प्लेन्स की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी, क्या है ड्रोन्स का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन सब पे बात करेंगे आज के FYI में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूँ आपके साथ और मेरे साथ में है ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट माइसेल्फ कैप्टन कृष्णा, सर्टिफाइड ड्रोन पायलट एज वेल एज आई एम अ सर्टिफाइड ड्रोन इंस्ट्रक्टर बाय DGCA and I have trained more than 100 of the drone pilots. और मेरे साथ में हैं, My name is Sunny Kumar, I am founder and director of Chandigarh Institute of Drones. जी, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये जो ड्रोन है, ये शब्द, ये आखिर ये ड्रोन है क्या, कब से आया दुनिया में और स्पेशली इंडिया में कब आया? बेसिकली मैम, ड्रोन जो है एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसमें ना तो कोई ह्यूमन ऑन बोर्ड होता है, ना पैसेंजर ऑन बोर्ड होता है, ना कोई क्रू होता है। इसको ऑपरेट किया जाता है ग्राउंड पे बैठे हुए लोगों से। जो लोग इसे ऑपरेट करते हैं उसे हम ड्रोन पायलट्स के नाम से जानते हैं। अगर हम इसका अगर थोड़ा सा अगर हिस्ट्री अगर देखें तो ये इंडिया में कारगिल युद्ध के टाइम पे इनका यूज हुआ था एंड आफ्टर दैट 2001 से, मतलब बोले तो इनका टेक्निकल यूज बहुत ही अच्छे और बड़े पैमाने पे हमारे मिलिट्री के द्वारा किए जाने लगा है। अच्छा, ओके। बात करें ड्रोन पायलट्स की तो आज इनकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? मैम, आप ड्रोन को ये बोल सकते हैं ये सिर्फ वेडिंग में उड़ने वाला खिलौना नहीं है, इट्स अ एयरक्राफ्ट। यस, और ये बहुत ही यूजफुल गैजेट है अगर हम इसका सही इस्तेमाल जानते हैं तो। जैसा कि आपने एग्जांपल दिया, वीडियोग्राफी पर्पज से ड्रोन यूज होता है, वीडियोग्राफी पर्पज से आपने देखा है वेडिंग वाला आपका ड्रोन, आर्मी में सर्विलांस के लिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, टारगेट शूटिंग के लिए यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर में फार्मर ड्रोन का पेस्टिसाइड स्प्रेइंग के लिए और क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। हेल्थ केयर में आपका ड्रोन यूज हो रहा है मेडिसिन सप्लाई के लिए, फॉरेस्ट्री एरिया में फॉरेस्ट्री के लिए ड्रोन यूज किया जा रहा है, और भी बहुत ज्यादा यूज है ड्रोन के, एंड नंबर ऑफ यूजेस है। अच्छा, हमारे यहाँ ड्रोन आते कहाँ से हैं, इंडिया में बनते हैं या बाहर से आते हैं? मैम, हमारे यहाँ पे अभी गवर्नमेंट के द्वारा पे बहुत सारी चीजें अलाउड किया गया है, तो हमारे यहाँ इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग अभी चालू है। तो हमारे यहाँ जो ड्रोन्स हैं वो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स ही बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। ऐसा है कि हम लोग ऑलरेडी कस्टमाइज ड्रोन बनाते हैं पुलिस और आर्मी के लिए एज पर देयर रिक्वायरमेंट, और ये ड्रोन जो आपने वेडिंग में देखे हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। पर्टिकुलर टारगेट्स को शूट करने के लिए आप कह लीजिए, सस्पेक्ट आइडेंटिफाई के लिए कह लीजिए, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए कह लीजिए, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए कह लीजिए, वॉरफेयर के लिए अगर आप कह सकते हैं कि हम एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए यूज कर सकते हैं ड्रोन्स को, प्लस टारगेट शूटिंग के लिए हम ड्रोन को यूज करते हैं। एंड अभी जो इंडिया में ड्रोन इंडस्ट्री है वो स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, जिससे कि हम सुसाइड ड्रोन बना करके जो भी हमारे एनिमीज के ड्रोन्स को या उनके गैजेट्स को एयर में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वी आर कैपेबल फॉर दैट। ड्रोन प्रोडक्शन को लेकर क्या कोई रूल्स हैं? 25th August 2021 को ड्रोन रूल एक पब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, एंड दैट इज वेरी एप्लीकेबल। एंड हम लोग जो फ्लाई करते हैं या फिर कोई भी फ्लाई करता है उन रूल्स को सारे को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोई भी उस रूल्स को बाइफर्केट नहीं कर सकते, उसको रूल को बाईपास नहीं कर सकते। अगर वो हम करते हैं तो अगर आप बता सकें कि ये रूल है क्या? बेसिकली जैसे मैम, हमारे गवर्नमेंट ने हमारे जितने भी एयर स्पेस है उनको तीन भाग में बांटा है, जैसे कि ग्रीन जोन है, येलो जोन है और रेड जोन है। रेड जोन में मैम हमें फ्लाई करने का परमिशन नहीं है। अगर हमें फ्लाई करना है बहुत ही ज्यादा, अगर इमरजेंसी है, देन वी नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन येलो जोन को गवर्नमेंट ने फिर इसको दो भाग में बांटा है, एक एयरपोर्ट बाउंड्री के अंडर, एक और एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर। एक हमारे 5 से 8 किलोमीटर जिसमें हम लोग 200 फीट तक ड्रोन को लेके जाएंगे, बट वी नीड टू रिक्वायर द परमिशन ऑफ ATC। और जब रहा बात एक ग्रीन जोन का, ग्रीन जोन में मैम कोई भी हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग कोई भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, 400 फीट तक वो आराम से ड्रोन को ऊपर तक फ्लाई कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के साथ। कोई भी अगर फ्लाई करता है तो वो कोई भी पर्सन वही होगा जिसके पास ड्रोन पायलट का लाइसेंस होगा। ओके, और ये लाइसेंस मिलता कैसे?
मैम इंडिया के जितने सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सारे लोग ड्रोन पायलट्स का वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वहाँ से लोगों को 5 डेज सर्टिफाइड प्रोग्राम होता है, वहाँ से उनको ये करना होता है। अगर आप करेंगे वहाँ से वो सर्टिफाइड हो जाते हैं और उसके बाद DGCA से मिलेगा ये लाइसेंस। हाँ, एक आपको ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मिलेगा एंड आफ्टर दैट यू विल गेट एन RPC फ्रॉम द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म दैट इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये ड्रोन जो वेडिंग्स में उड़ाए जा रहे हैं क्या इसके लिए भी लाइसेंस है लोगों के पास, इनके पास होना चाहिए लाइसेंस या विदाउट लाइसेंस उड़ते हैं ये? अगर मैम अगर लाइसेंस की बात करें, अगर यदि वो ड्रोन मैम अगर नैनो कैटेगरी का है तो फॉर दैट वी डोंट नीड एनी लाइसेंसेस, बट इफ दैट ड्रोन कम्स अंडर एन स्मॉल कैटेगरी इट मींस यदि उस ड्रोन का वेट अगर मैम 2 kg से ऊपर है और 25 kg से नीचे 25 kg देन हम बोल सकते हैं कि उनको लाइसेंस की रिक्वायर्ड होगी, बट अगर 2 kg से नीचे का है देन वी डोंट रिक्वायर्ड एनी लाइसेंस। बेसिकली माइक्रो में रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर ये सवाल बिल्कुल पूछूं कि ये ड्रोन कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया, एक हमारा फिक्स विंग, एक हमारा रोटर क्राफ्ट और एक हमारा हाइब्रिड। और फिर इसको बांटा गया है रोटर क्राफ्ट को ही उनके वेट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कि किसका कैसा वेट होगा, उस हिसाब से उसको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहला कैटेगरी है वो नैनो कैटेगरी, उसके बाद है हमारा माइक्रो, उसके बाद है हमारा स्मॉल, फिर है हमारा मीडियम, फिर है हमारा लार्ज कैटेगरी। ओके ओके। और अगर मैं बात करूं, बिकॉज मैं कहीं पढ़ रही थी नेट पर अभी हाल ही में, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम आई है फॉर ड्रोन्स एंड ड्रोन पार्ट्स, ये अगर आप थोड़ा समझा सके आसान भाषा में कि ये क्या है? मैम जैसे देखो आप, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये PLI स्कीम जो है ये हमारे इंडिया के जितने मैन्युफैक्चरर है और जितने भी हमारे स्टार्टअप कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। सो दैट बिकॉज हमारे मोदी जी का ये भी व्यू है कि हमारे विश्व में इंडिया को ड्रोन हब बनाना है, तो फॉर दैट कि इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं सो दैट कि स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरर को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया कब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बन जाएगा? बाय 2030 तक हम लोग इंडिया के अंदर 2020 तक ड्रोन हब बन जाएंगे। अगर बात करूं कि जैसे ओसामा बिन लादेन को ड्रोन से ही ढूंढा गया था उनके ठिकाने को, रशिया यूक्रेन की अगर हम हाल ही में बात करें तो इस वॉर में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया की बात करें तो हमारे पड़ोस में चाइना जैसे सुपर पावर है, तो क्या वो हमसे बेहतर है ड्रोन टेक्नोलॉजी में? अभी मैम प्रेजेंट टाइम के लिए कह सकते तो हमसे थोड़ा सा आगे हैं, बट विद इन 2 or 3 years वी विल बी मोर अहेड ऑफ देम दैट कंट्री। इंडिया चाइना की भी एक कंपनी है DGI डॉज योंग इनोवेशन, सिर्फ वही एक कंपनी है जिनका एक लीडिंग सेक्टर है चाइना में, एक्सेप्ट दैट अब हमारा इंडिया भी है कम नहीं है, बहुत सारी कंपनी आ गई है, जैसे कि देख लगते हो मैम IDF Forge, पारस डिफेंस, BCM श्रीराम, गरुड़ा एयरोस्पेस, स्काईलार्क ड्रोन जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, सारी कंपनी स्टार्टअप कंपनी और बहुत अच्छा परफॉर्मिंग कर रही है, इनका ड्रोन इवन DGI से भी बेहतर काम कर रहा है इंडिया में एंड दे ऑल आर अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द DGCA ऑल्सो। ओके ओके, सो अनडाउटली वी विल बीट द चाइना इन द नेक्स्ट 2 or 3 years। वाओ वाओ, बहुत ही अच्छी चीज ये जो सुनकर लगी। रशिया यूक्रेन वॉर में कई बार एक ड्रोन का नाम इस्तेमाल जो है वो बार बार आया, इसके बारे में बात करना चाहूंगी, ये सुसाइड ड्रोन्स क्या है? मतलब यूक्रेन जिस ड्रोन का यूज कर रहा है दैट इज ऑफ द USA बेस्ड, इनको USA सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, सो दैट इज वाई बींग एज अ वेरी स्मॉल कंट्री यूक्रेन इज स्टिल सस्टेनिंग विद द रशिया because of having the drone technology, not by the air, not by the ground, even under the water technology drone they have. And US is providing to the Ukraine, and that's why they are sustainable and fighting with such a large country like Russia. और क्या हमारे पास भी है ऐसे water resistant water technology drones? मैम ये थोड़ा सा हमारे लिए सीक्रेट का मुद्दा हो जाता है, so that's why we can't continue with this. ओके ओके ओके। अगर मैं बात करूँ ड्रोन वॉरफेयर के तौर पे, अगर क्योंकि ये एज चल रही है, इट्स एन एज ऑफ ड्रोन वॉरफेयर नाउ, जो कि हमने रशिया और यूक्रेन में तो देखा ही देखा है, इसके तौर पर अगर बात करें तो ड्रोन्स कैसे काम करते हैं, इनका क्या यूज किया जाता है? ड्रोन्स का यूज मैम वॉर में बेसिकली होता है सो दैट कि हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ही ज्यादा कम थ्रेटन है, हमारे सैनिकों का जान बहुत ज्यादा बचता है, वैसे जगह को हम इजीली एक्सेस कर पाते हैं जहाँ पे हमारे सैनिकों का जाना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है विद द हेल्प ऑफ द ड्रोन। ड्रोन पायलट जिसके बारे जिसकी जरूरत बहुत ज्यादा है इस वक्त इंडिया में, जिसके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसीज कही जा रही है, तो ये ड्रोन पायलट बन कैसे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है? इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ड्रोन इज नॉट ओनली ड्रोन पायलट, स्किल्ड ड्रोन पायलट। स्किल्ड ड्रोन पायलट का मतलब ये है 2-4 दिन ड्रोन फ्लाई करके कोई ड्रोन पायलट नहीं बनता, जैसे कि हम 2 दिन गाड़ी चला करके परफेक्ट ड्राइवर नहीं बनते।
तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, स्किल्ड इंस्टीट्यूट से यंगस्टर्स ट्रेनिंग लेंगे, तभी जाकर के वो एज अ एक स्किल्ड पायलट बन सकते हैं। देखिए 10+2 के बाद ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन कोर्स करके ड्रोन पायलट बना जा सकता है, ड्रोन ऑपरेटर बना जा सकता है। साथ साथ अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप NHA आप देख लीजिए, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मैपिंग के काम देख लीजिए, जैसे कि स्वामित्व योजना है गवर्नमेंट की और वो मैपिंग करते हैं विलेजेस में, गवर्नमेंट में भी बच्चा अपना अप्लाई कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, सर्विलांस के लिए वो यूज करती हैं ड्रोन। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मैं किसानी से इसको जोड़ूं तो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर से दूर होते जा रहे हैं बच्चे या अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर ड्रोन को सीख कर पेस्टिसाइड स्प्रेइंग और अदर गैजेट्स यूज करके क्रॉप मॉनिटरिंग, हेल्थ मॉनिटरिंग क्रॉप की वो देख सकते हैं, जिससे कि क्रॉप भी सेफ होगी, टाइम भी सेफ होगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा कि जैसे कि गाड़ी बन गई है और उसके बाद उसको रिपेयर करने वाला मैकेनिक भी चाहिए, तो ड्रोन रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स की भी रिक्वायरमेंट है। न्यू टेक्नोलॉजी के ड्रोन कैसे बनाने हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट है। ड्रोन इंडस्ट्री में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी के ये जो इंजीनियर्स हैं मिल करके काम करते हैं। लाइक आपको इतने सारे कंपोनेंट्स हैं ड्रोन के, मोटर, प्रोपेलर, ESC, फ्रेम, फ्लाइट कंट्रोलर, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कैमरा एंड अदर गैजेट्स। इस तरह की जो डिवाइसेस है, मैं यंगस्टर को कहना चाहूंगा अगर आप इनके बारे में डिटेल नॉलेज लेकर हिंदुस्तान के अंदर इसको बनाना सीखें, बनाएं और हमारी जो ड्रोन की कॉस्ट 1 लाख रुपए का जो नॉर्मल ड्रोन है उसकी कॉस्ट 80,000-70,000 तक आ जाएगी और इतने सारे पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया के अंदर होगी तो आप सभी जानते हैं कि कितनी ज्यादा जॉब्स बढ़ेंगी, कितनी ज्यादा मतलब स्किल डेवलप होंगी और बहुत सारी लाइक ड्रोन इंडस्ट्री में चीजें हो सकती है जो अभी पेंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैन कैरिंग ड्रोन्स के बारे में बात करना चाहूंगी। इनके आ जाने से मतलब पहले तो यही बताइए कि ये मैन कैरिंग ड्रोन्स क्या हैं, कितने बड़े हैं। मैं बड़े ड्रोन का मतलब अगर मैं इसको केजीज के हिसाब से डिफाइन करूँ, जो आपने छोटे ड्रोन देखे हैं 500 ग्राम पेलोड कैरी करने वाले, 1 kg पेलोड कैरी करने वाले, इसके अलावा 1 kg to 100 kg, 100 kg to 150 kg तक ड्रोन पेलोड कैरी कर सकता है, वजन उठा सकता है। हाँ, फ्लाइंग कार हम उसको कह सकते हैं और वो अभी ट्रायल बेसिस पर है, पर कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली ये जरूर होगा कि ह्यूमन केयरिंग ड्रोन भी होंगे। और इनके आ जाने से क्या फाइटर प्लेन्स की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी? मैम अगर आप कह रहे हैं कि सिंगल सीटर प्लेन की अगर हम बात करें वो कॉस्टली होता है, एक ड्रोन जो है फ्लाइंग कार की हम बात करें, आप इसको ड्रोन कार कहिए, ड्रोन कार एक विजन इसको समझिए। इसका पर्पस ये है कि आपको देखिए, इसका डिपेंड करता है बैटरी लाइफ के ऊपर कि आपकी बैटरी कैपेसिटी कितनी है। मैं एक छोटे से एरिया की बात करता हूँ, रिमोट एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, आपको एक एरिया से दूसरे एरिया पर जल्दी पहुंचना है और वहां पर आप ड्रोन कार का यूज कर सकते हैं फॉर लाइक अपना टाइम सेव के लिए। आप इसको लाइक 100 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर तक एक पर्सन को एज ऑफ नाउ बिठा करके डिलीवर नहीं कर सकते, ना जा सकते। ओके, 10-15 किलोमीटर के लिए सफिशिएंट है एज ऑफ नाउ। ड्रोन्स के फायदे के बारे में तो हमने बहुत ज्यादा बातचीत करी, बिकॉज हम सभी जानते हैं हर फायदे वाली चीज के नुकसान भी होते हैं, तो ड्रोन के रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें वो क्या है? सबसे बड़ा मैम इसका नुकसान यही है कि ये हमारे प्राइवेसी को हीट करता है। सपोज दैट कोई ड्रोन अगर हमारे ऊपर से फ्लाई करता है, हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर से फ्लाई करता है, द थिंग्स दैट वी डोंट वांट टू शो टू एनीवन एल्स, सो दे कैन जस्ट कैप्चर एंड मॉनिटर एंड दे कैन सर्वे ऑल दिस थिंग्स, सो दैट्स व्हाई दे कैन जस्ट हीट आवर प्राइवेसी। दिस वन इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ द ड्रोन। क्या इनको कुछ कोई मॉनिटर भी कर रहा होता है? अगर जैसे पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो उड़ा सकते हैं और अगर कोई इस रूल को तोड़ रहा है, स्नो फ्लाइंग जोन को, क्या इसे मॉनिटर किया जा सकता है कहीं से? अभी करेंट टाइम में देखे तो अभी तो नहीं है इसको मॉनिटरिंग के लिए, बट गवर्नमेंट हमारा काफी इनिशिएटिव ले रहा है इसके लिए। UTM एक बना रहा है, अनमैन ट्रैफिक मैनेजमेंट, जस्ट लाइक जैसे एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया जाता है, सेम उसी तरीके से ड्रोन को भी ट्रैक किया जाएगा विद इन सिक्स मंथ और एक साल के लगभग हम बोल ले तो UTM हमारे पास अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास, बस उससे बहुत तेज से काम हो रहा है ना। ओके, अच्छा ये नो फ्लाइंग जोन्स की बात तो आपने ये बताई इंडिया में जो उड़ा रहे हैं, अगर फॉरेन बॉर्डर्स की बात करें तो छोटा सा ड्रोन तो कभी भी दुश्मन के इलाके से उड़ के आ सकता है, तबाही मचा सकता है, तो क्या इसको उड़ाने को लेकर कोई रेगुलेशंस हैं
ये बॉर्डर्स पे कहाँ उड़ाने हैं, कैसे उड़ाने हैं? यस मैम, बॉर्डर्स को लेकर के है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया पे जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं वहाँ पे किसी भी सिविलियंस पर्सन को ड्रोन उड़ाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन ऑन दैट टाइम रडार जो है वो लगभग कैच कर ही लेता कि कौन सा ड्रोन है नहीं है, क्योंकि हर देश का अपना अपना बॉर्डर है, दे आर प्रोटेक्टिंग विद द सेल्फ विद द हेल्प ऑफ द रडार, सो ऑब्वियसली दे विल बी काउट ऑन दैट ग्राउंड। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया का सपना क्या है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। ड्रोन्स के थ्रू हम कहाँ तक आगे जाना चाहते हैं? तब ये गुजरात में हुआ था डिफेंस एक्सपो। ये एशिया का सबसे बड़ा इवेंट था जो कि 18th of October से चला था 22nd of October 2022 तक। ये सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था। इसके पहले हमारे मोदी जी ने भारत ड्रोन महोत्सव जो कि प्रगति मैदान दिल्ली में, वहाँ भी 27-28 में 2022 को खुद ही इनॉग्रेट किया था, अपने हाथों से ड्रोन को फ्लाई किया था। उसके बाद हमारे यहाँ ड्रोन इंडस्ट्री थोड़े और बूम पे चली गई। मैम, सबसे पहले तो हम डिलीवरी सिस्टम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ एरियाज, अगर मैं हिल एरियाज की बात करूं, वहां पर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक मेडिसिन पहुंचाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके। -10-20 degree टेम्परेचर पर आर्मी जो हमारी है, हमारे जो लाइक सोल्जर्स हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट होती है। सम टाइम मान लीजिए कोई फूड खत्म हो गया या कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी है और पेलोड थोड़ा ज्यादा है, ऐसे हाई एल्टीट्यूड पर ज्यादा पेलोड कैरी करने वाले ड्रोन्स को बनाना, उनके ऊपर काम करना भी हम उसके बारे में सोच रहे हैं और कर सकते हैं। लाइक एक गांव है किसी रिमोट एरिया का, जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन कैरी ड्रोन इस तरीके का, उसको कोई इंजरी हुई है और उसको 50 किलोमीटर अवे लेकर के जाना है हॉस्पिटल तक पहुंचाना, इस तरीके के हम लोग ड्रोन्स बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर सनी कुमार एंड कैप्टन कृष्णा कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और हमारे यूथ को इस नए करियर ऑप्शन के सारे प्रोस्पेक्ट्स बताने के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं मानसी हूँ आपके साथ सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।